इस संस्थान में स्वागत करता हूँ और ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव हमको लग रहा है क्योंकि इस संस्थान को 50 वर्ष हो गए और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि CSIR के वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच हैं, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर कि आप हमारे बीच आए। न केवल ये क्योंकि हमारी स्वर्ण जयंती इस वर्ष मनाई जा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और उल्लास का विषय है कि आप हमारे बीच आके हमको इतना उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ तक आने से पूर्व माननीय मंत्री जी ने हमारी मुख्य बिल्डिंग का नाम विश्व ज्ञान भवन नामित किया है आज से, और एक बहुत ही एडवांस्ड इमेजिंग फैसिलिटी जो कि नैनो टॉक्सिकोलॉजी के लिए CSIR ने यहाँ बनवाई थी और हिंदुस्तान में, न केवल हिंदुस्तान में, विश्व में एक यूनिक फैसिलिटी है टॉक्सिकोलॉजी के लिए, उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया और सारे वैज्ञानिकों को इन्होंने एक मार्गदर्शन दिया और हमको कहा कि किस तरह से हम सोसाइटी के लिए और आगे बढ़ के काम करें। मैं इस उपलक्ष्य में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, आज CSIR के वाइस प्रेसिडेंट और माननीय मंत्री जी ने अपने मन की बात हम लोग के समक्ष रखी है और मैं सिर्फ आप सबके बिहाफ पे मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि CSIR IITR जो कि हमेशा से एक ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट रहा है, अपने आप को और सोसाइटल रेलेवेंस की ओर ले जाने की चेष्टा करेगा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आलोक धवन, इस आज के कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से गरिमा प्रदान कर रहे वरिष्ठ डॉक्टर धवन एंड डॉक्टर नित्यानंद, डॉक्टर सेठ और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी के रूप में रिटायर हुए, और मेरा उनके साथ विशेष संबंध है, वो मेरे मेडिकल कॉलेज के कुलीग रहे हैं, बैचमेट रहे हैं और बैचमेट से भी ज़्यादा मेरे कैडेवर के ऊपर मेरे कैडेवर पार्टनर भी रहे हैं। बहुत लोग जानते नहीं होंगे ऐसे डॉक्टर आशरण दास जी, वो पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर है, लेकिन पिछले पूरा जीवन उनका IAS में गुजरा है, पिछले लगभग 30 साल अभी रिटायर हुए हैं। और संस्थान के सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक, सभी रिसर्चकर्स, स्टूडेंट्स, सभी कर्मचारी, दूसरे साथी छोड़ सकता है शायद, मीडिया के मित्र भी हों या दोस्तों, मुझे लगता है कि आप भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। कितने बजे की बात है? कितने बजे की बात? 4:30 बजे बताया है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया कि आपको एक देर से इंतजार करा रहे हैं। तो मैं ऊपर काफ़ी देर से आपके वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर रहा था, उसके बाद मीडिया के साथ बातचीत करने में काफ़ी समय बीता, तो काफ़ी सारी बातचीत तो मेरे ख्याल से पिछले 3 घंटे से हो चुकी है और अपने विचारों को भी मैंने सभी लोगों के साथ शेयर किया है। मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार की गंभीरता और गहराई से CSIR की लेबॉरेटरीज में काम होता है, उसके लिए निश्चित रूप से आप सब अभिनंदन के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। CSIR के बारे में मैंने बहुत बार कहा कि
ये एक असाधारण इंस्टीट्यूशन है। दुनिया के अंदर 4000 शायद 887 इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो पहली 100 इंस्टीट्यूशंस की जो रैंकिंग हुई हुई है इस तरह की, उसमें भारत के अंदर केवल एक इंस्टीट्यूशन है जो शायद 84वें नंबर पर है, उसका नाम CSIR है। और बहुत सारे चीज़ों के अंदर वो इम्पैक्ट फैक्टर्स हो, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन हो, उन सब स्टैटिस्टिक्स में मैं नहीं जाता। हम दुनिया के सामने बहुत सारा ऊँचा करके खड़े हो सकते हैं जहाँ तक CSIR का प्रश्न है। CSIR की रिपोर्टेज को मुझे देखने का, समझने का, वहाँ जाने का, यहाँ तो मुझे आपके यहाँ बहुत समय ज़्यादा नहीं लगाने का सौभाग्य मिला, क्योंकि और भी मैंने लखनऊ में लैब्स के अंदर समय दिया, वरना ज़्यादातर जहाँ भी मैं देश में गया वहाँ कम से कम सुबह से शाम तक मुझे समय व्यतीत करने का मौका मिला। एक एक लेबॉरेटरी में जाके लेबॉरेटरी के अंदर के भी जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ भी डिस्कशंस करने का मौका मिला, और उसके आधार पर मैंने CSIR के बारे में एक अपने माइंड में एक अच्छा इमेज बनाया। उसकी योग्यता और क्षमता के बारे में बहुत मन में एक विश्वास पैदा हुआ। CSIR की हिस्ट्री जानने की कोशिश की तो ध्यान में आया कि CSIR का जन्म तो भारत के जन्म से भी पहले हुआ हुआ है, और CSIR के जन्म के बाद से लगभग अधिकांश इंस्टीट्यूशन जो है उनकी आयु, जैसे इस इंस्टीट्यूशन की आयु भी 50 साल हो गई है, अधिकांश इंस्टीट्यूशन की आयु 50 से ज़्यादा ही है, शायद 50 से कम तो नहीं होगी। और बड़े बड़े देश के बड़े कर्णधार जवाहरलाल नेहरू जी जैसे, डॉक्टर शावक सरस्वती जैसे, उस जमाने के लोग उस CSIR के जन्म से जुड़े हैं, उनके नाम के फाउंडेशन स्टोन्स मुझे जो है जगह जगह देश भर में दिखाई देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि और सालों पर मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ है, मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे डॉक्टर अपने प्रोफेसर धवन साहब ने कहा कि हमारा 50वां साल चल रहा है, लेकिन 50 साल के अंदर यहाँ CSIR का कोई वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं आया, तो ये मेरे लिए भी बड़े आश्चर्य की बात थी। और मुझे याद है कि साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनने के बाद मैंने शुरू किया था कि भाई जो पहले दूर दूर हैं या शायद अप्रेंटली हो सकता है कमजोर हूँ, पहले वहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहा करते थे कि जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा विपन्न है या किसी भी कारण से तकलीफ में लगता है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने जो दूर दूर वाले थे तो मैंने वहाँ से शुरू किया, मुझे नहीं पता था तकलीफ में है कि नहीं, तो मैं सबसे पहले जौहरन की लैब में गया आसाम के, वो CSIR की लैब 1962 में बनी, और वहाँ मैं गया था। यहाँ तो आपके यहाँ मैं ज़्यादा समय नहीं बिता पाया, 3-4 घंटे अभी हुए हैं, लेकिन वहाँ मैं सुबह गया था 11 बजे और मैं शाम को लैब में से निकला था करीब 6:30 बजे। तो वहाँ लोग बड़े आश्चर्यचकित थे और कहने लगे कि 1962 से लेकर आज तक यहाँ तो कोई कभी आया नहीं। एक बार कोई एक मंत्री जी आए थे, वो आधा घंटे में एक पत्थर पत्थर लगा के यहाँ से चले गए थे, तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि जो है आपको। जो मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि मैंने लगभग एक साल के अंदर ज़्यादातर जगह पर जाकर बहुत गहराई से समझने की कोशिश की कि CSIR क्या चीज़ है,
और खाली CSIR में भी बायोटेक्नोलॉजी में और उसे अपने अर्थ साइंस के अंदर जाकर के देखा। अर्थ साइंस में तो स्वयं मैंने 24 घंटा समुद्र के अंदर लगाया, फिर सी में रह के देखा सिद्धू साधना शिव के ऊपर वैज्ञानिकों के साथ और कैसे वैज्ञानिक समुद्र के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, कैसे वहाँ कोई मिनरल की खोज कर रहे हैं, कोई एनर्जी के ऑल्टरनेट सोर्स की खोज कर रहे हैं, कोई फूड के लिए देख रहे हैं कि कहाँ बढ़िया व्यवस्था होगी, फिशिंग जोन के बारे में कर रहे हैं, पानी के बारे में कर रहे हैं। तो उस सबको बहुत नज़दीक से देखने के बाद ये ध्यान में आया कि CSIR के अंदर बहुत व्यापक काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। समाज जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के बारे में CSIR के अंदर काम नहीं हुआ, और उसके आधार पर ही मैं समझता हूँ कि शायद प्रधानमंत्री जी ने भी अभी पिछले दिनों CSIR के जनरल बॉडी के अंदर CSIR के लोगों को ये अपील कि जो आपकी योग्यता है, आपका जो पोटेंशियल है, इसको ध्यान में रखकर इसका जो भरपूर इस्तेमाल है वो जनता के तकलीफ के समाधान के लिए करने की कोशिश करें, क्योंकि ये इस देश के लिए तकलीफ की बात है कि आज़ादी के 68 साल के बाद भी बहुत सारी बेसिक चीज़ों के साथ मेजॉरिटी जो लोग हैं देश के अंदर, काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर वो डिप्राइव्ड है, उससे एक प्रकार से तकलीफ में है, और विज्ञान के पास शायद बहुत सारी चीज़ों के समाधान भी हैं, लेकिन उसके लिए वैज्ञानिकों के नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है। उसके लिए वैज्ञानिकों को उन सब लोगों की उन समस्याओं के ऊपर विशेष दृष्टि रखनी पड़ेगी और उस विशेष दृष्टि के हिसाब से अपने दृष्टिकोण के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा, कुछ दिन पहले मैं लगातार 1 साल से यही बात सभी अपने वैज्ञानिक भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ भी मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि इस समय हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भारत के पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक भारत के लिए, भारत को ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक असाधारण जज्बा रखते हैं, असाधारण तरीके से सौदे करके सोचते हैं, असाधारण आइडियाज़ को जन्म देते हैं, उनके ऊपर असाधारण तरीके से चिंतन करते हैं, चिंतन करवाते हैं। अभी पिछले दिनों आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा, विश्वास भी ना हो, ये जो देश के अंदर बड़ी 8 प्रमुख समस्याएं हो सकती हैं, कोई स्वास्थ्य की हो सकती है, कोई शिक्षा की हो सकती है, कोई वाटर की हो सकती है, कोई दूसरी हो सकती है, उसके ऊपर देश के प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर में 8 ग्रुप्स बने हैं और उन 8 ग्रुप्स के बीच में लगभग 10,000 घंटों की ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई। उस ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद उन 8 विषयों के ऊपर कुछ डिटेल रिकमेंडेशंस बनाई गई 10,000 घंटे की ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद, और उसके बाद उन रिकमेंडेशंस को सब मिनिस्टर्स को दिया गया और सब मिनिस्टर्स ने फिर अपने डिपार्टमेंट के अंदर 8 बार उन 8 रिकमेंडेशंस के ऊपर अपने डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी लेवल के लोग, जैसे मेरे डिपार्टमेंट में इस लेवल के लोग करीब 150 से 200 थे, तो 200 लोग के साथ उन सारे इंफॉर्मेशन को सामने प्रस्तुत करके फिर एक बार पेश स्टॉपिंग हुई पूरी सरकार के अंदर। तो आप समझिए कि पहले ऊपर के 10,000 घंटे के अंदर ऊपर के लोगों के बीच में पेश स्टॉपिंग हुई और उसके बाद नीचे के लेवल पर हर मंत्रालय के अंदर हर मिनिस्टर ने अपने अंदर सेक्रेटरी यानी कि
एक डेढ़ दो महीने के अंदर कुछ विषयों के ऊपर सारे देश के अंदर जिन लोगों को व्यवस्था को आगे बढ़ाना है उनकी सारी सोच जो है उसका जैसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन उन्होंने कर दिया। और फिर सबने हर मंत्री ने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो नतीजा था उस नतीजे को उसमें जो एडिशन करना था उसको और उन आठ विषयों पर भले ही मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हूँ लेकिन मैं ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या रेलवे के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या मैं पानी में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या मैं एजुकेशन में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उसका मेरा अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्लान उसको अटैच करके मैंने प्रधानमंत्री जी को वापस किया। इस बात की वजह से चर्चा आपसे इसलिए की कि ये एक जो मैंने असाधारण शब्द का प्रयोग किया वो इसलिए किया कि इस असाधारण जज्बे के साथ काम करने की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और उसी लगातार चिंतन को करते हुए ये जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स पिछले दिनों देश में विकसित हुए आपने सबसे पहले सुना एक मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हुआ था। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि ये मेक इन इंडिया में ही हो सकता था रहा होगा। मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जब विज्ञान भवन में लॉन्च हुआ था तो सारे मेरा ख्याल से लोगों ने उसको टेलीविजन पर लाइव देखा था, देश के बड़े बड़े लोग वहाँ आए थे, सबके भाषण हुए थे। लेकिन उस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं जानता हूँ कि एक दिन सवेरे से शाम तक विज्ञान भवन के सब कमरों के अंदर सारे सरकार के महत्वपूर्ण लोगों का अलग अलग स्थानों पर चिंतन हुआ था, कहीं हेल्थ का हो रहा था, कहीं एजुकेशन का हो रहा था, कहीं किसी का हो रहा था, उस समय हेल्थ मिनिस्टर का तो मैं हेल्थ के ग्रुप में बैठा हुआ कुछ शेयर कर रहा था। और सुबह से शाम तक चिंतन करने के बाद शाम को 5 बजे सब लोगों ने अपने चिंतन को प्रेजेंट किया जब प्रधानमंत्री आए और रात के 9 बजे तक प्रधानमंत्री बैठे रहे, सबके चिंतन को सुना, उसके अंदर से जो प्रक्रिया विकसित होनी शुरू हुई उसमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम का जन्म हुआ। तो जो अभी होने की कोशिश हो रही है वो उस प्रकार के प्रक्रिया के तहत नरेंद्र मोदी जी को आप समझ गए जान गए कि वो एक जिसे कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड उनको चुनावों के अंदर सक्सेस मिली जब वो प्रधानमंत्री बने। भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं और शायद जिस प्रकार का जज्बा उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत में विकसित हुआ था शायद साल भर पहले ही इस देश के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि उनको नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री चाहिए। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनके लिए स्कूल का बच्चा बोलता था जिसका वोटिंग राइट नहीं था कि मुझको मोदी चाहिए। और पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो देश के हजारों करोड़ों लोगों के सपनों के सिंबल बन गए थे, नौजवानों की आशाओं के अपेक्षाओं के सिंबल बन गए थे। और जैसा मैंने कहा कि किस प्रकार की सोच से वो आगे देश को दोबारा से ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, भारत के भविष्य को पुराने अतीत के भारत से भी ज़्यादा सुंदर और गौरवशाली बनाना चाहते हैं। और जो बात मैं विशेष रूप से कहता हूँ कि उनको एक प्रकार से विशेष आशीर्वाद प्राप्त है कि वो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान प्रधानमंत्री की लीगेसी को एंजॉय करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के हर व्यक्ति के लिए हमेशा